ये है गौसिया नली बिरयानी लियाकताबाद। भाई ये जबरदस्त नली देखें आप, इन्होंने गुदा भी निकाला अलग से और ये नली। वाह भाई वाह, बेहतरीन भाई, खा के तो मजा आ जाएगा। ये हाजिर है और फुल ज़बरदस्त हैवी बिरयानी लग रही है। बीफ बिरयानी मंगाई है और बॉडियाँ भी उसमें मुझे ठीक ठाक लग रही है और राइस की क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। अच्छा ये बिरयानी यहाँ की जो ख़ास बात है, बिरयानी ये सेला में नहीं है, बासमती में है। और बासमती की बिरयानी हो और बीफ बिरयानी हो तो सोने पर सुहागा वाली बात है। थोड़ी सी बिरयानी ली, स्पाइसी ही लग रही है बिरयानी, थोड़ी सी मैंने बूटी ली, गर्म हो रही काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार बिरयानी है, गोश्त भी खूब अच्छी तरह से गला हुआ है। आपको अगर मैं दिखाता हूँ इस तरह से बूटी, आप देखें ज़बरदस्त। राइस भी बहुत अच्छे हैं, मसाला चटपटा है बिरयानी, तो मुझे चटपटी पसंद है, तो इस हिसाब से मैंने चटपटी ही मंगवाई है। और बहुत अच्छा जायका महसूस हो रहा है, ऑयल वगैरह दीगर चीज़ें भी जो लग रही हैं उनमें अच्छी इस्तेमाल हुई है, ज़बरदस्त। मैं मौजूद हूँ राजपूत बिरयानी पे, जो कि इस वक्त गुलिसान है जौहर की टॉप 3 में आप कह लें कि आती है। और ये बुरा मतलब ये कि गलत नहीं होगा जो मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो बीफ बिरयानी है वो बहुत ही A1 है। और यहाँ का जो रश है, ख़ास तौर पर जो दिन का टाइम है, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा रश होता है, एक लोगों का रुझू है यहाँ पर। तो वैसे भी कराची की जो नंबर 1 डिश है वो बिरयानी कह लें, नहारी बिरयानी और इस तरह की चीज़ें। तो ये मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। ये आप देखें बिरयानी की सूरत हाल, चावल भी लगता है कि बासमती चावल हैं रहा भाई, और सेला चावल नहीं है। और बोटी भी अच्छी क्वालिटी की लग रही है मुझे, इसको मैं ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन भाई। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जी देख की बिरयानी चाहिए, देख की बिरयानी है, और वाकई जो लाइन से देखे रखी हुई है, आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़्यादा चलने वाली है इनके डिश है। और मज़ा A1 है, जायका भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। स्पाइसी आप करवा सकते हैं अगर आपको स्पाइसी खानी है। थोड़ा सा जो जायका है उसमें हल्की सी खटास आ रही है, जो कि बिरयानी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जब आलू बुखारे वगैरह और टमाटर डलते हैं तो इसमें थोड़ी सी खटास आती है। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि बेहतर ज़बरदस्त। इस वक्त कादरी नली बिरयानी में मौजूद हैं और ऑर्डर दे दिए, हमारा ऑर्डर थोड़ी देर में आ जाएगा, जब तक हम ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो बिरयानी की खुशबू आ रही है और जो धुआं उठ रहा है, जो देखो हमने देखा है, तो पानी आ रहा था मुंह में और सवन नहीं हो रहा था, तो अभी देखते हैं कितनी देर में आती है बिरयानी। तो
नाज़रीन हमारा ऑर्डर आ चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त आप देख रहे हैं सेटअप यहाँ पे मौजूद है। नली बिरयानी हमारी मौजूद है, एक नली जो है भाई निकाल चुके हैं, दूसरी नली मौजूद है। अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ कि नली निकालता हूँ। इसके अलावा जो हमने मंगवाया है वो खीर है और ज़र्दा है और सलाद। तो ज़रा राशिद भाई नली निकाल लूँ मैं फिर। नली निहारी तो खाई होगी, अब ये नली बिरयानी भी काफ़ी गर्म हो रही है और बहुत गर्म हो रही है। मेरे ख्याल से निकल चुका है सब इसमें। करने वाला हूँ मैं, अब नली निकाल चुकी है, थोड़ी सी नली ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आ गया, आला बेहतरीन जवाब नहीं है, बेहतरीन जाएगा है। ज़बरदस्त, ऐसे ज़बरदस्त किस्म की भूख लग रही है ना, ये इतनी देर करा दी है जहाँ से भाई ने ऑर्डर देने में, और इंतज़ार कर करके अभी ठीक ठाक किस्म की भूख लग गई भाई, उससे तो बिल्कुल भी सबर नहीं है। अभी ये आ गई है नली बिरयानी, कहा भाई ने तो बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी है, सारी नली जो है ना इन्होंने अपनी तरफ कर ली है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड करूँगा भाई, नली को थोड़ा सा इधर ले आऊँगा अपने मैदान में। और ये मैं आपको अभी ज़रा चक्के बताता हूँ कि कादरी की दरअसल जो बिरयानी है उसकी क्या सूरत हाल है। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि अब तक जो हमने बिरयानियाँ खाई हैं, नंबर वन बिल्कुल, आप आएँ चेक करें और नंबर वन ना हो तो मुझे बता दें। भजन ये बिरयानी जो है ना, इसका खाने का मज़ा जो है वो इस तरह से बैठ के होटल में खाने का जो है ज़्यादा मज़ा है। गरम गरम बिरयानी होती है और आप इसको खाएँ, पार्सल करा के घर ले आके वो एक अलग मज़ा है। लेकिन इस तरीके से कादरी बिरयानी के होटल में आके बैठ के इस तरह गरम गरम बिरयानी खाना बेहतरीन। जी भाई, बेहतरीन बिरयानी है, मज़ेदार जायका है और हाथ रुक नहीं रहा है। भूख जो है ना, इसने पहली जब बाइट ली थी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी भूख, और अब तक वाकई जो भी जितनी भी बिरयानी खाई है, नंबर वन बिरयानी कादरी बिरयानी। नली का बाइट ले गए आप, थोड़ा सा नली साथ लेके अगर इसको खाएं ना, मज़ा आएगा। गोश्त में खूब गला हुआ है और जैसा कि आपको जानवर भी दिखाया था, बनते हुए भी दिखाया, तो मज़ेदार है गोश्त भी और खूब गला हुआ है। बार दफ़ा ये होता है बीफ की बिरयानी खाने में, जो गोश्त जो होता है वो कसर रह जाती है, गलता नहीं है, या बड़े जानवर का गोश्त होता है तो खाने में मज़ा नहीं आता। सेटअप भी यहाँ का बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा सेटअप है, और पहले तो मैं ये समझ रहा था कि शायद यहाँ पर फैमिली का सेटअप नहीं है, मगर यहाँ पर आके देखा सामने वाला जो हिस्सा है इनका पोर्शन है, वहाँ पर अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें तो फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। राशिद भाई ने जैसे बात की, तो खाने का मज़ा तो बिरयानी यहीं पर गर्म गर्म आ रही है, और यहाँ ख़ास बात यह है कि आपको पुरानी बिरयानी नहीं मिलेगी, ठंडी बिरयानी नहीं मिलेगी, क्योंकि माशाल्लाह से रनिंग लोग इतनी है ज़बरदस्त है कि वो मेरे ख्याल से हर आधे घंटे में जो है नई देख आ जाती है और फ्रेश बिरयानी मिल रही होती है। यही है गौसिया नली बिरयानी, बाबा बॉल बिरयानी, ओनली फ्रेश नली, ओनली फ्रेश मीट, गौसिया नली बिरयानी, आई लव यू पाकिस्तान, जिंदाबाद। एक तो लाइट बिरयानी है, मैं तो वैसे लाहौर से आया हूँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी बिरयानी थी, टेस्ट भी बड़ा अच्छा है,
बहुत अच्छी है, लाइट बिरयानी है और बड़ी पसंद आई। ऐसा लगा था कि मसाले वाली होगी बट बहुत लाइट है, बहुत अच्छी बिरयानी है, बेहतरीन है, इसी वजह से बार बार आते हैं यहाँ पे। भाई ये जबरदस्त नली देखें आप, इन्होंने गुदा भी निकाला अलग से और ये नली, वाह भाई वाह, बेहतरीन भाई, खा के तो मज़ा आ जाएगा ये। और वीआईपी खुशबू आ रही है, ओहो ये थाल जा रहा है सर्विंग के लिए। तो आइए जी हम आपको सीन दिखाते हैं अंदर चल के कि किस तरह से ये सीन चल रहा है। ओए होए होए होए, रश देखें आप, ज़बरदस्त किस्म का रश है जी। ओए आप ये देख रहे हैं, हाथ रुक ही नहीं रहा है बंदे का। ये है गौसिया नली बिरयानी लियाकताबाद। भाई ये जबरदस्त नली देखें आप, इन्होंने गुदा भी निकाला अलग से और ये नली, वाह भाई वाह, बेहतरीन भाई, खा के तो मजा आ जाएगा ये। आ गई जनाब गौसिया की नली बिरयानी, ओह बेहतरीन। अभी ये ज़रा नली निकाल के दिखाएंगे भाई, ये नली है। ओए होए होए होए, जबरदस्त हो गया ये नली, इन्होंने पूरी खाली कर दी है यहाँ बिरयानी पे, जबरदस्त। तो जनाब वाला गर्मा गर्म बिरयानी हाजिर है, गौसिया नली बिरयानी। चावलों की सूरत हाल तो देख ही ली आपने, ज़बरदस्त चावल हैं, बासमती चावल नज़र आ रहे हैं, बोटियाँ भी बेहतरीन हैं, अच्छी क्वालिटी की नज़र आ रही है बोटियाँ। अच्छा इनका जानवर जो है यहीं पर ज़िबा करते हैं, जो कि आजकल जो बीमारी चली है तो उस लिहाज से अब डरे नहीं, इनका अपना जानवर होता है, यहाँ पर साफ सुथरा माहौल है उस लिहाज से ही पकाते हैं। तो मैं आपको ये बिरयानी का जो है टेस्ट बताता हूँ, चक्कर थोड़ा सा नली में डालूँ साथ में। ये मैंने लिए नली और ये मैंने चावल उठाए, थोड़ी सी जो है ना मैं बोटी भी रखूँगा, बहुत गर्म हो रही है। ये मैंने रखी बोटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ज़बरदस्त भाई, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है। आप कहेंगे तो आपको ये ज़रा मसाला लगा कर देंगे, लेकिन ये खाने में एवन है भाई, ज़बरदस्त। और जायका भी अच्छा है, गोश्त भी अच्छा है, और नली के साथ जो जायका आ रहा है ना वो बहुत ही उठ रहा है जायका नली के साथ, मैं तो समझता हूँ बेहतरीन। बहुत ज़बरदस्त इंतज़ार हो रहा था, और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जो है वो बिरयानी हमें मिली है, क्योंकि रश बहुत लगा हुआ है। मगर कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, वेरी मीठा तो नहीं है मगर बहरहाल अच्छा। आप राइस देखें, बड़े ज़बरदस्त राइस हैं, नली भी आप देखें काफ़ी, यानी कि बड़ी नली थी, और बोटियाँ भी जो है अच्छी खासी हैं। पीसेस में दिखाता हूँ, असल में गर्म हो रही है, वरना मैं हाथ से आपको दिखाऊँ। ज़बरदस्त बोटी हैं। बिरयानी में तो सीने का गोश्त इस्तेमाल होता है ना, वो डाला हुआ है इन्होंने, जिससे बिरयानी का फ्लेवर इन्हेंस होता है। और राइस भी आप देखें, अच्छा वाला राइस इस्तेमाल किया इन्होंने, कितना बड़ा दाना है चावल का। अब बारी है रिव्यू की, देता हूँ मैं रिव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो वर्ड्स, जायका बहुत बैलेंस है। आप अगर वैसे स्पाइसी लेना चाहें तो स्पाइसी भी ले सकते हैं, कम मसाले की खाना चाहें वो भी खा सकते हैं, मगर ओवरऑल मसाला जो है ना बहुत बैलेंस है। बाद दफ़ा ऐसा होता है लोग मसाला जो है वो तेज़ हो जाता है तो वो अलग में लग रहा होता है, या ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, अच्छा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता तो वो भी जो है मज़ा नहीं आ रहा होता। आप देखें ऑयल भी बिल्कुल अच्छा इस्तेमाल किया, लग नहीं रही बिरयानी ना। बाद दफ़ा अब जो बिरयानी में लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा नहीं होता, और ऑयल चावलों में भी जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से बिरयानी चावल जो है बैठ जाता है। इधर आप देखें बिल्कुल भी ऐसा कोई मामला नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि नंबर वन बिरयानी है। ये भाईजान से पूछते हैं गौसियान अली बिरयानी खाने आए हैं। बड़ी लाइट है, एक तो लाइट बिरयानी है, मैं तो वैसे लाहौर से आया हूँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी बिरयानी थी, टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, और खाने में लाइट है, कोई इतने वो तेज़ मसाले या जिस तरह सुनते हैं बंदा कराची में बहुत तेज़ मसालों वाली होती है, ऐसी बात नहीं है, बड़ी एक अच्छी वो है जी। आप क्या कहते हैं जी बिरयानी के बारे में? बहुत अच्छी है, लाइट बिरयानी है और बड़ी पसंद आई, ऐसा लगा था कि मसाले वाली होगी बट बहुत लाइट है, बहुत अच्छी बिरयानी है जी। आप कहाँ से आए बॉस? मैं कराची का हूँ, मेहमान आए हैं मेरे पास, ये लाहौर से, तो मैं उन्होंने कहा कराची की मशहूर बिरयानी आपको खिलाते हैं, तो फिर इसी वजह से इनको यहाँ पे लेके आ गया, तो माशाल्लाह इन्होंने खुद ही बता दिया कि किस तरह की है। मैं तो अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे, तो कैसी लगती है आप? बेहतरीन है, इसी वजह से बार बार आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना एक हंगामा सा है गौसिया पे, और बहुत ठीक ठाक जो है नारेबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई सियासी जलसा हो रहा है, तो ठीक ठाक रौनक लगाई हुई है यहाँ पर साकिब भाई और उनकी टीम ने। लामवाला ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी है, और बहुत ही ज़बरदस्त एक नंबर बिरयानी मैं खाऊँगा। क्या ख्याल है भाई? बिल्कुल ऐसी बात है, और यानी कि लियाकताबाद की तो खैर एक ये पहचान भी है कि लियाकताबाद के लोग जो है वो मिलनसार होते हैं और मिलने मिलने वाले होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो पुरानक इलाका है, तो इस लिहाज से वो चीज़ तो है यहाँ। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।